नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खबर रीवा के नईगढ़ी जनपद पंचायत से आ रही है, जहां जनपद पंचायत में आज सामान्य सभा की बैठक होनी थी, जिसमें नईगढ़ी जनपद पंचायत सीईओ शैलेश पांडे उपस्थित नहीं हुए। वहीं जब से 2022 में पंचायत निर्वाचन संपन्न होने के बाद में जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ है, उसके बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जनपद पंचायत सीईओ बैठक से नदारद रहते हैं और बैठक की जानकारी भी किसी को नहीं देते। ऐसे में आज सभी सदस्यों ने नईगढ़ी जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया है। नईगढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अपने सभी जनपद सदस्यों के साथ रीवा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना देंगे और मांग करेंगे कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटाया जाए जिन्हें महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना नहीं आता। गौरतलब है कि नईगढ़ी जनपद पंचायत में 16 जनपद सदस्य महिलाएं हैं। ऐसे में महिला जनपद सदस्य बैठक में आती हैं और सीईओ के न रहने से वापस चली जाती हैं। मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं महिलाओं के साथ नईगढ़ी जनपद में ऐसा दुर्व्यवहार समझ से परे है। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद आज जनपद पंचायत नईगढ़ी की यह पहली घटना होगी जहां पर सामान्य सभा की बैठक का विषय सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 11 दिन पूर्व दिए जाने के बावजूद सामान्य सभा का एजेंडा जारी नहीं किया जा सका। बैठक की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, यहां तक कि जनपद के कर्मचारियों तक को निर्देश नहीं दिया गया। जनपद पंचायत नईगढ़ी को मजाक बनाकर सीईओ द्वारा रखा जा रहा है। वहीं अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि वे जनपद अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम व नियम का सम्मान तथा पालन करती हैं तथा भविष्य में भी करेंगी। एक महिला जनपद अध्यक्ष होने के नाते प्रभारी सीईओ द्वारा जो कृत्य और कानून की अवहेलना की गई है, उसका जवाब व उस पर कार्यवाही जरूर शासन प्रशासन व जिले के कलेक्टर महोदय को करनी चाहिए। जनता के हित का कामकाज में इस तरह का व्यवधान उत्पन्न करना एक जनपद सीईओ को शोभा नहीं देता। अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ अधिकारी जिला पंचायत सीईओ जिला कलेक्टर पंचायत विभाग के मुख्य सचिव ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही करते हैं या फिर महिला जनपद सदस्यों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन के लिए बाध्य करते हैं। सभा की मीटिंग हो, चाहे वो सामान्य प्रशासन की मीटिंग, चाहे जो भी मीटिंग हो, एक भी सीओ साहब के कारण मीटिंग अटेंड नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग इकट्ठा होकर के हमारी अध्यक्ष महोदय के साथ हम लोग सब लोग जिला कलेक्टर के पास जाएंगे और वहां हम लोग धरना रखेंगे और वहां जाके हम लोग धरना से उठेंगे नहीं जब तक वो हम लोगों का कहा नहीं मानेंगे। वो कैसे ये गद्दारी कर रहे हैं कि एक भी सीओ अध्यक्ष का कहा नहीं मान रहे हैं। पूरे सदस्य सहमत हैं और हम लोग एक साथ सब लोग बोलेंगे और बैठक में हम लोग उसमें रहेंगे, जिला कलेक्टर के पास हम लोग धरना रखेंगे सभी सब मिला के। सामान्य सभा की बैठक थी, आप भी उपस्थित थे? हाँ, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैं आज यहाँ आया था। जब हमको जानकारी पता चली कि यहाँ सामान्य सभा की बैठक है जनपद में, चूँकि मैं सांसद सदस्य के प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ पहली बार बैठक में उपस्थित हुआ और यहाँ देखा, जब बैठक में सभी सदस्य बाहर खड़े थे और 12 बजे का समय निर्धारित था और 12 बजे तक ना तो सीईओ को पता था ना कुछ, या इवन हम लोगों ने 2:30 बजे तक यहाँ इंतज़ार किया। जब वो नहीं आए तो 2:30 बजे के बाद बैठक की कार्रवाई की गई और बैठक में सबसे पहले सदस्यों ने मांग किया कि भाई ऐसे सदस्य सीईओ के खिलाफ मानना का कार्रवाई होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाए और ये निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद जो एजेंडा था इसके पहले दिया गया था सूचना में हम लोगों को, उस एजेंडे के को वहीं स्थगित करके निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया और बाकी के मुद्दों पे चर्चा बंद कर दी गई। क्या सर सामान्य सभा की बैठक थी जी, क्या प्रस्ताव पारित? हम लोगों को अध्यक्ष महोदय द्वारा एजेंडा जारी किया गया था तो हम लोगों ने माना कि सीओ साहब ने जारी कर दिया होगा, इसी तरह होता है। तो हम लोग आए बैठक में, यहाँ बैठक में आए तो यहाँ कोई न कर्मचारी है न सीईओ है। 12 बजे से बैठक थी, 12 बजे से 2:30 बजे तक हम लोग प्रतीक्षा किए कि हो सकता है कहीं इधर उधर हो, आ जाएंगे। 2:30 बजे तक जब नहीं आए
तो हम लोग प्रायः ये देख रहे हैं कि इसी तरह की जब से ये निर्वाचन हुआ है 2022 का, निरंतर सीओ साहब इसी तरह सीओ साहब और अध्यक्ष के बीच में चल रहा है। माने सीओ साहब अध्यक्ष महोदय को कतई कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं, उनके इन कृत्यों से ऐसा लगता है मेरे को। ये बड़ी दुखद बात, मैं मानता हूँ कि एक महिला अध्यक्ष होने के नाते, 16-16 महिला जनपद सदस्य होने के नाते उन्हें अपमानित किया जाता है, वो सभी महिलाएं अपने को अपमानित मान रही हैं। तो आज की कार्यवाही में सर्वसम्मति से उपस्थित सदस्यों द्वारा माननीय सीओ साहब के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और ये कहा गया है कि यह प्रस्ताव की प्रतिलिपि शासन मध्य प्रदेश भोपाल भेजा जाए मुख्य सचिव को और कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीओ को, कमिश्नर साहब को, समस्त अमला को भेजा जाए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। आपका नाम और आप? मेरा नाम केसरी प्रसाद द्विवेदी, मैं विधायक प्रतिनिधि मनगमा 73 का विधायक प्रतिनिधि जी। मैंने निंदा प्रस्ताव पारित कराया और उसमें ये भी मैं बोलती हूँ कि जिला सीओ, कलेक्टर, कमिश्नर बोलते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, महिला अगर महिला अध्यक्ष हो जाए तो उसका कोई साथ नहीं देगा, ये क्या है? बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चाहे तो जैसा करना चाहती हो ऐसा कर सकते हैं, मगर जब सीओ ही हमारे साथ नहीं है तो हम क्या वाले न जिला सीओ। हमको 15 दिन का टाइम दिया गया था, मगर वो 15 दिन के ही टाइम में भी कुछ भी नहीं कर पाए। मैं अब अपने जनपद सदस्यों को ले जाके कलेक्ट्रेट में धरना बैठूंगी।